नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका सरोकार सामाजिक हो, जो समाज से जुड़ा हुआ हो। वो कुछ मुद्दे जो हमारे समाज को कहीं मैला करते हैं, या फिर वो कुछ मुद्दे जहां पर राजनीति की जाती है और राजनीति के तहत जनता के जो मुद्दे होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। तो आज एक ऐसा ही मुद्दा ज्वलंत है इन दिनों, बहुत ज्यादा ड्रग्स का मुद्दा है। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है उसको शुरू कर दिया है, और ये शुरुआत अभी नहीं, ये 2020 में ही हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के साथ। तब भी बड़ा मामला बना, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से कनेक्शन है, और अब एक बार आर्यन खान, शाहरुख खान के सुपुत्र, वो भी हिरासत में हैं। उनकी जमानत को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। फिलहाल बात तो ये है कि आर्यन खान के साथ एक बार फिर ये खुलासा हो गया है, सनसनीखेज खुलासा, कि बॉलीवुड जो है वो किस तरह ड्रग्स के मामले में लिप्त है, बॉलीवुड किस तरह ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है, बॉलीवुड किस तरह हमारे समाज को मैला कर रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है इससे मच बियॉन्ड है, इससे कुछ हटकर है, दूर है, कोसों दूर है। क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, और वो भी कुछ एक ग्राम, कह लीजिए हीरोइन या कोई भी ऐसा मादक पदार्थ जो कि मिल जाए किसी के पास, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा वो है जिसे देश की मीडिया दबा देती है, मुद्दा वो है जिसे उछाला नहीं जाता। मुद्दा ये है कि हमारे देश से तक ड्रग्स पहुंचता कैसे है, यहां से ट्रैफिकिंग कैसे होती है, कंजम्पशन कितना है। अब आप देखिए, देश में जब बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी चरम पर, अभी भी है, बढ़ रही थी, मैं गलत ही बोल रही हूँ, अभी भी है, पेट्रोल 100 के पार है, 110 है मुंबई में, दिल्ली में 103, पता नहीं, मतलब अब तो ये सोचना भी लगता है, जैसे लोगों को आदत लगा दी गई है कि आप सोचिए ही नहीं, ये सब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसी तरह आप देखिए मनीष गुप्ता मर्डर केस, अब लखीमपुर खीरी, और अब जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच ये सारी खबरें, कैसे लोगों का ध्यान यहां से हटाया जाए, इसका काम दरबारी मीडिया कर रही थी। दरबारी मीडिया को एक मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया आर्यन खान के रूप में। अब आर्यन खान लग्जरी क्रूज पर थे, और जो आप कह लीजिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको वहां से अरेस्ट कर लिया, और लोगों को भी किया, लेकिन सुर्खियों में आए आर्यन खान। हालांकि उनके पास से कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी सुर्खियों में है आर्यन खान। पूरा बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है, तो कंगना रनौत उसमें कूद पड़ती हैं कि हाँ बॉलीवुड तो सपोर्ट करेगा ही किंग खान के बेटे को और इस तरह की हरकत को। खैर, मुद्दा जो भी है, अगर उन्होंने गलती की है और देश के कानून के खिलाफ है तो सजा मिले ना मिले ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में ये जो ड्रग्स आते हैं वो आते कैसे हैं, उनका जरिया क्या है, कैसे, क्यों वो पकड़े नहीं जाते, और जब पकड़े जाते हैं तो सुर्खियों का हिस्सा क्यों नहीं बनते। अब मुंद्रा पोर्ट पर देखिए ना, अडानी के जो पोर्ट पर 3,000 किलो, 21,000 वर्थ का जो हेरोइन मिला, अब उसमें मीडिया ने सोचा ये बहुत हल्का मामला है, उसमें कोई सेलिब्रिटी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, वो भी किसी को टारगेट करने वाला तो कोई है ही नहीं वहां पर, अडानी को थोड़ी ना टारगेट करेंगे, वो तो ऑपरेशन देखते हैं वहां पर। एनसीबी ने वहां पर ध्यान ही नहीं लगाया क्योंकि वो सुर्खियों में आती नहीं वो खबर। हालांकि बाद में अब जाकर वो शुरू हुआ है, तमाम विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि उस मुद्दे को भी देखा जाए, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया सरकार ने। खैर, मुद्दा तो था रिया चक्रवर्ती, साल भर चला, उसके बाद अब आर्यन खान, मतलब आप कह लीजिए कि एक ना एक सेलिब्रिटी को साल में पकड़ लेना है, कि जब भी कोई ऐसी घटना हो देश में जिस पर सरकार पर उंगलियां उठे तो एक मुद्दा ऐसा लाकर सामने परोस दीजिए कि लोग बस उसी को देखते रहे कि आर्यन खान ने क्या खाया, बिरयानी खाया, उसकी माँ उससे मिलने आई तो क्या बर्गर लेके आई, ओहो शाहरुख खान से मिलकर बात करके वो रोने लगा, क्या शाहरुख खान उससे मिलने गए, क्या शाहरुख खान और गौरी खान ने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, क्या शाहरुख खान को बायजूस के एड करने से पहले अपने बच्चे को देखना चाहिए था, जैसे लोग मीम्स बना रहे हैं कि उनको अपने बच्चे को पहले बायजूस में डाल देना चाहिए था, तमाम चीजें हैं। अब टारगेट पे हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान। अब आप देखिए ना, एड्स से जो पैसे आते हैं वो सब अभी दांव पे लगे हैं, शाहरुख खान को भारी नुकसान भी हो सकता है,
इमेज डेंट तो हो ही रहा है, तो क्या ये टारगेट था? ये मैं नहीं कह रही, ये जो नेता हैं विपक्षी दल के वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नवाब मलिक जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में, आप देखिए उनका कहना है कि किस तरह से उसमें भाजपा के कार्यकर्ता थे जब रेड डाली गई, जब वो क्रूज था एक लग्जूरियस क्रूज वो मुंबई से निकला तो वहां पर एनसीबी के लोग भी चढ़े, नारकोटिक्स कंट्रोल वाले 22 लोग थे और उसमें एक भाजपा का कार्यकर्ता भी था। क्या कर रहा था उसमें भाजपा का कार्यकर्ता, उसमें क्या कर रहा था? और केपी गोसावी, मनीष भानुशाली, ये दो नाम जो है इनका नाम लिया गया है, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एनसीपी नेता है नवाब मलिक जी, इन्होंने आरोप लगाया है। अब कांग्रेस भी कह रही है कि अरे आपने मुंद्रा एयरपोर्ट वाले मुद्दे पर तो ध्यान दिया ही नहीं कि ये जो इतनी बड़ी खेप ईरान के रास्ते और अफगानिस्तान से भेजा गया था भारत में आया, उस पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा हो रही है आर्यन खान पर। तो कहीं ये मुद्दा भटकाने वाली बात तो नहीं है कि चलो जी अब अडानी वाले से हटा जाए, आर्यन खान पर लोगों को टिका दिया जाए, दर्शक तो यहाँ बस मन की बात सुनने में व्यस्त हैं। अब मन की बात कैसे सुने लोग, कभी कभी प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं लेकिन ज्यादातर उनके मन की बात सुनाने का काम तो यहाँ की मीडिया कर रही है, तो मीडिया मन की बात सुनाती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। अब आर्यन खान एक स्केप गोट मिल गया है, हालांकि बहस चल रही है कि कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए उनकी पुलिस में या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, ये सब अलग विषय है, लेकिन ये ड्रग पेडलर्स हैं कौन, कहां से आता है नशे का खेप, ये खेप भारत कैसे पहुंचाई जाती है, कौन है वो लोग जो 3000 किलो का ड्रग्स जो है वो भारत पहुंचा रहे थे, 21,000 करोड़ वर्थ का, जो कि भारत के 3 करोड़ युवाओं को तबाह कर सकता था, 3 करोड़ युवाओं को। वैसे भी जो आंकड़े हैं अगर देखा जाए तो 2019 के आंकड़े हैं, सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो कहती है कि करीब 3 करोड़ लोग जो हैं वो नशे के आदि हैं। अब खैर जो भी हो, अब देखिए ना आप इसमें भाजपा कार्यकर्ता वो क्या कर रहा था, फोटो भी ले रहा था, सेल्फी भी ले रहा था आर्यन खान के साथ, पोस्ट भी कर रहा था। अब जाके वो वीडियोस जो है नवाब मलिक ने सामने डाले हैं कि आखिर उस शख्स का वहां क्या काम। अब एनसीबी इसको लेके घेरे में है, एनसीबी का कहना है नहीं जी वो तो हमारे एक गवाह के तौर पर वहां मौजूद थे, लेकिन इससे भाजपा का कोई कनेक्शन है क्या? मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई कनेक्शन है इसमें, भाजपा ऐसा काम नहीं कर सकती, नाम बदलों के अलावा भाजपा का ध्यान क्या इन सब मुद्दों पर जाता है? अब देखिए ना लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में जो हुआ उस पर कहां भाजपा का ध्यान, प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसके बाद किसान मर गए, प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव के आयोजन में लखनऊ गए थे, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, एकदम मौन धारण करके थे, व्रत चल रहा होगा मौन व्रत, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच के भी किसानों के लिए एक शब्द नहीं कह पाए, या वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर कुछ ही घंटों का रास्ता वहां तक नहीं जा पाए, किसानों के कंधे पर हाथ नहीं रख पाए, और ऊपर से योगी जी की सरकार, अरे क्या बात है, एकदम ऐसी तगड़ी सरकार घेरा बंदी करके रख दी, किसी को नहीं पहुंचने देना। अब गला जो मरोड़ दिया ना लोकतंत्र का, साफ तस्वीर सामने आ रही थी। अब इंडिया फाइट्स अगेंस्ट ड्रग्स, ये नया मुद्दा सामने आ गया है, उसके लिए पहले रिया चक्रवर्ती, अब आर्यन खान, अब कौन हो सकता है, कंगना रनौत तो बिल्कुल ही नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं हो सकती, वो कैसे हो सकती हैं, वो तो उनके खिलाफ लिख रही है, भाजपा के सपोर्ट में लिख रही है, उनको कभी टारगेट नहीं किया जा सकता। तो सोच लीजिए कि कौन से लोग हैं जिनको भाजपा से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है उनका नाम आ जाए। अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी एक राजनीति थी, उसके तहत ऐसा किया गया है। अब आप देखिए ना वहां पे उस क्रूज में इतने सारे लोग थे, मोर देन 1000, 1800 के करीब कहा जा रहा है कि उसकी कैपेसिटी थी और फुल थी, और उसमें से मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और ये सबसे बड़ा नाम आर्यन खान।
अब आर्यन खान ही सुर्खियों में क्यों, किसी और के खिलाफ उसमें से सिर्फ 8 ही लोग कैसे मिले? क्या और लोग वहां पे जो और लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं चलाए जा रहे? यहाँ आर्यन खान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, अरे वहां पर आप देखिए ना, ये अपने आशीष मिश्रा जी के पुत्र मोनू, अजय मिश्रा जी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, वो लखीमपुर खीरी मामले में जिनका FIR हुआ है, लोग भूलने भी लगे हैं अब तो, मैं भी भूल गई थी थोड़ी देर के लिए, वो FIR में नाम है। मतलब कि कई वीडियोस, वरुण गांधी ने भी वीडियो डाल दिया कि हाँ किसानों को जस्टिस मिलना चाहिए। पहले मैं ये सोचा करती थी कि जो न्याय की मूर्ति है ना, वो आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो ये ना देखें कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबको बराबर ट्रीट हो न्याय के दरबार में। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि पट्टी क्यों बंधी है न्याय की मूर्ति पर, दिखाई नहीं देता है ना, अब वो नहीं देख पा रही है कि हाँ इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। और किसान, मतलब किसानों को रोंद पड़ना हिम्मत चाहिए भाई, ये वीडियो हम देख नहीं पा रहे, और ये आशीष मिश्रा ये क्या कर दिया? और उसके बाद भी पुलिस कह रही है वो फरार है, वो दिखाई नहीं दे रहे, उनकी तलाश चल रही है। मतलब कि और उनके पिताजी जाके कार्यभार संभाल लेते हैं, लौटे दिल्ली अमित शाह से मिले, और जो सूत्र है बताते हैं कि अमित शाह ने कहा तुम अपना काम संभालो, उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो अपना काम संभाल रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और उनके बेटे के खिलाफ इतना बड़ा मामला है। अरे आप रोते रहिए, कितना रोइएगा, गोदी मीडिया ने तो ये दिखाना ही नहीं, जिन लोग हैं दिखाने में व्यस्त है कुछ और, आर्यन खान को दिखाओ, महंगाई का रोना कौन रोएगा, वो तो सबको लत लग चुकी है ना, आदत लग चुकी है, उसको कौन दिखाएगा। वो आपने देखा पत्रकार कैसे कूद रहा था एक मृतक के शरीर पे, हा? और आपने वो मनीष गुप्ता वाला केस, पुलिस फरार है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पुलिस है वो अपने आप से गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है क्या? उनको लगता है आदेश नहीं मिले हैं, जब वो आदेश का पालन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, जब कहा जाएगा गिरफ्तार करो तो कर लो, पकड़ लो तो पकड़ लो, छोड़ दो तो छोड़ दो। अब देखिए ना कैसे टांग के ले गए थे अमिताभ ठाकुर, आपको याद है, घर से उठा के टांग के ले गई पुलिस। अरे प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा, प्रियंका गांधी जा रही थी संवेदना व्यक्त करने लखीमपुर खीरी, उठा ली गई, उनको पहुंचा दिया गया सीतापुर गेस्ट हाउस, 2 दिन तक रखा, कितना हंगामा मचा, तब जाके योगी सरकार अब कहते हैं झुकी। उन्होंने भी सोचा मामला ठंडा पड़ गया, अब छोड़ दो, कब तक पकड़ के रखेंगे। सचिन पायलट को फिर अरेस्ट कर लिया, तो बाकी लोग अरेस्ट हो जाते हैं। और जो मनीष गुप्ता के केस में पुलिस वाले हैं, जो ये आशीष मिश्रा हैं, ये सब नहीं है, एक्चुअली पुलिस बल जो है ना लगता है कहीं और बिजी है, आदेश का पालन करने में बिजी है। अब ये पूरा का पूरा जो एक नया युद्ध है, वॉर अगेंस्ट नारकोटिक्स, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, उसमें आप कहिएगा कि भारत जो है वो सचमुच में ऐसी जगह पर पोजिशन है कि आप गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। अगर आपने देखा हो गोल्डन क्रिसेंट इधर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, और गोल्डन ट्रायंगल में आप लाओस ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, ऐसे थाईलैंड है, ये देश है, इन सबसे घिरा है, और कैसे इंडिया एक ट्रांजिट है वहां से ड्रग्स को भेजे जाने का। अफगानिस्तान में होती भी है खेती ओपियम की, 80% दुनिया में जो खेती होती है उसमें 80% ओपियम की खेती अफगानिस्तान में होती है, अब रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन भारत में जो पकड़ा जाता है, इतने बड़े मुद्दे पकड़े जाते हैं, 21,000 करोड़ की वर्थ की हेरोइन, तो उस पर कोई रोना नहीं रोता। ये ड्रग पेडलर्स हैं कौन, ये इंडिया में कहाँ कंज्यूम हो रहा है, यूथ कितना नाश हो रहा है, यूथ कैसे बिगड़ रही है, कैसे अवेयरनेस चला जाए, ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा है शाहरुख खान ने, आपने गलत पेरेंटिंग की है, आपका बच्चा जो है ये बॉलीवुड जो है यहाँ पे नशे का बहुत बड़ा एक धंधा चलता है, गैंग है। अब देखिए ना, हमारे देश में जो 3 करोड़ लोग
जो ड्रग्स लेते हैं, 2.5 करोड़ लोग के करोड़ लोग जो है करीब हार्ड ड्रग्स लेते हैं, ऐसे ऐसे हैं। NDPS एक्ट जो है हमारे देश का काफी स्ट्रिक्ट है, फिर भी हो रहा है, तो कैसे रोक लगाई जाए, उस पर सरकार कुछ काम करे। कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, क्या कौन इसमें ड्रग पेडलिंग करता है, वो जो खेप इतनी बड़ी खेप आई थी वो कैसे होती है, पंजाब तक कैसे पहुंचता है। पंजाब में देखिए ज्यादातर जो वहाँ के स्टेट्स हैं वो इससे ग्रस्त हैं। एक वीडियो भी मैंने आज डाला है, आप देख सकते हैं उड़ता पंजाब करके, कि कैसे रावी नदी का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को पाकिस्तान से भारत भेजने में, और क्यों हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी लचर और कमजोर हो जाती है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे। कैसे ये हमारे युवाओं को खराब कर रहा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को जो ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई है उसमें इन मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें। आपसे फिर जुड़ूंगी एक नए मुद्दे के साथ अपनी राय लेकर। अभी आप मुझे दें इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।